ये तो सिल्वर कलर के ग्लिटर हैं, दोनों डिफरेंट स्टाइल हैं, आपको ओपन के दिखा देती हूँ। ये बारीक वाला है और ये हैवी वाला है। अब मैं आपको बताऊंगी इनको कि आप जैसे आप नेल आर्ट स्टूडियो से नेल आर्ट कराते हैं तो बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ आपको वैसे लगाते हैं। और मैंने यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश लिया है। नेल्स मैंने पहले लगाए हुए हैं, इसका मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी कैसे लगाएं और कहाँ मिलते हैं। ग्लिटर का भी आपको लिंक शेयर कर दूंगी कि हाँ कैसे मिलेंगे आपको, ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे इजीली, आपको लिंक शेयर कर दूंगी मैं। ये पहले हम ट्रांसपेरेंट नेल पेंट अप्लाई कर रहे हैं अपने नेल पे। ट्रांसपेरेंट नेल पेंट आप अच्छे से अप्लाई करें क्योंकि जहाँ नेल पेंट अप्लाई होगा वहीं ग्लिटर चिपकेगा, और उसमें डिप कर देंगे हम ग्लिटर में। नीचे पेपर हमने इसलिए रखा है जो भी हमारा एक्स्ट्रा होगा वो गिरेगा, वापस से इसमें पलट देंगे बॉक्स में। बहुत इजी है, पहले ट्रांसपेरेंट नेल पेंट अप्लाई करना है। आपको किसी कलर कलर के साथ कॉम्बिनेशन चाहिए किसी नेल पेंट कलर के साथ तो वो कलर का नेल पेंट ला के भी आप डिप कर सकते हैं, एंड डिप करना है बॉक्स में। ये देखिए फ्रेंड, बिल्कुल फिनिशिंग अच्छे से आ रही है। अब हम थोड़ा सा इसमें मिडिल वाले में डिफरेंट डिज़ाइन करेंगे, कॉम्बिनेशन करेंगे। ट्रांसपेरेंट नेल पेंट लगा लिया, हाफ में हमने सिल्वर डिप किया और हाफ में हम मोटे वाला सिल्वर लगा रहे हैं। हाफ में हमने पतले वाला लगाया था, ज़्यादा शाइनिंग करनी है आप और थोड़ा सा ज़्यादा लगाना चाहते हैं। आप पहले पता लगा के यदि मोटे वाला ग्लिटर लगाएंगे तो उसके स्टे ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा दिन चलता है। डायरेक्ट हैवी वाला ग्लिटर लगा देंगे तो वो ज़्यादा दिन स्टे नहीं होगा, स्टे नहीं करेगा। ऊपर से सब पे ही ट्रांसपेरेंट कोट लगाना है, इनकी लास्टिंग अच्छी रहे। एक्स्ट्रा को आप हाथ से क्लीन कर दें किसी कॉटन से, हम लिटिल वाली फिंगर पे लगा रहे हैं। हम इसे हल्का हल्का ड्रॉप करके भी लगा सकते हैं, हल्का हल्का हमने सिल्वर कलर का ड्रॉप कर दिया। इसमें हमने डिप नहीं किया, हमने इस पर ड्रॉप किया है, तो हमें लाइट चाहिए, हम जो नहीं ज़्यादा ज़्यादा शाइन करें तो हमने हल्का डाल दिया है। उसके ऊपर हल्का हल्का ये भी डाल सकते हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। हम थंब पे लगाएंगे, हल्का हल्का हम इसमें पतले वाला ग्लिटर ड्रॉप कर रहे हैं।
इस पर आप एक बार और ट्रांसपेरेंट अप्लाई करेंगे। अब हम ये मोटे वाला ग्लिटर डालेंगे। इसमें हमने थोड़ा मोटे वाला ग्लिटर ज़्यादा डाला है आपको दिखाने के लिए कि कौन सा किस तरीके से आप लगाएंगे तो आपको कैसी लुक देगा। थोड़ा सा हम हाथ से इसे डब डब कर दे रहे हैं। एक्स्ट्रा आप रिमूव कर सकते हैं किसी कपड़े या टिश्यू से। ऊपर से हम एक बार और ट्रांसपेरेंट लगा देंगे जिससे कि ये लॉन्ग लास्टिंग हो। देख सकते हैं आप कितना प्यारा लग रहा है। ये आप घर में भी लगा सकते हैं, बहुत इजी है। नेल्स भी मैंने घर में लगाए हैं और ग्लिटर भी मैंने घर में ही अप्लाई किया। आप चाहें तो किसी नेल पेंट के साथ भी कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, या फिर आप एक में ही ग्लिटर लगाएं या बाकियों में नॉर्मल नेल पॉलिश लगाएं, किसी भी कलर के साथ आप कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। सिल्वर ऐसा कलर है जो हर किसी ड्रेस के साथ जाता है। ये दो कलर ग्लिटर्स के हैं, एक येलो है और एक मल्टी ग्रीनिश ब्लू मिक्स कलर है। आज हम बताएंगे इसे आप कैसे नेल आर्ट करें। हमने ओपन कर लेना है कलर से, हमने ये भी येलो लगाना है तो येलो ओपन करना है। ट्रांसपेरेंट नेल पेंट अप्लाई करना है, जस्ट डिप करना है। ट्रांसपेरेंट नेल पेंट अच्छे से अप्लाई करना है क्योंकि जहाँ अप्लाई होगा वहीं पर ग्लिटर स्टिक होगा। उस पर डिप कर देना। ज़्यादा डार्क चाहिए तो उस पर डबल कोट कर देंगे। या आप येलो कलर का नेल पेंट लगा के तब भी डिप करेंगे तो ज़्यादा डार्क आएगा। ट्रांसपेरेंट नेल पेंट लगाया, जस्ट स्टिक कर दिया, एक्स्ट्रा से निकाल दिया डबल कोट करने के लिए। एक बार और ट्रांसपेरेंट अप्लाई किया। तब हो गया येलो का। नेक्स्ट हम इस कलर से आर्ट करेंगे तो हम इसमें नेल आर्ट टेप से आर्ट करेंगे। नेल आर्ट टेप के साथ ग्लिटर अप्लाई करके कोई भी कलर का ले सकते हैं आप टेप। से नीचे वाइट कलर का नेल पेंट लगाया हुआ है, हल्का सा ग्लिटर है उसमें, हल्का का कलर लगाया हुआ है। आप कोई भी कलर लगा सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। जस्ट हमने टेप ऐसे निकालना है। कट करना है या फिर आप पहले कटिंग करके भी रख सकते हैं।
अच्छे से स्टिक नहीं होगा तो वो निकल जाएगा। पहले हम कट करके रख लेते हैं। ऐसे हम बॉक्स पे चिपका रहे हैं जिससे हमें इजी हो उठाना। इस टाइप से डिप करेंगे। अब ग्लिटर ओपन कर लेंगे। तो टेप को अच्छे से चिपका लेना, यदि वो चिपकेगा नहीं अच्छे से तो उस पर कलर अच्छे से नहीं आएगा, फिनिशिंग नहीं आएगी। फिर इसके ऊपर हमें ट्रांसपेरेंट नेल पेंट अप्लाई करना है। इसमें डिप कर देना है। अच्छे से फिनिशिंग है। इसके लिए हमें इसे टॉप कोट अभी लगा लेना है। इसी तरीके से हम और कलर भी और नेल्स पे भी आर्ट कर लेंगे, जिस टाइप से भी हमें जो भी आर्ट करनी है। पहले टेप कटिंग करके रख लेंगे। इस टाइप से चिपकाया मैंने। टेप्स अच्छे से मैंने पेस्ट कर लिया टेप को। उस पर मैंने अलग डिज़ाइन बनाया था, इस पर मैंने अलग डिज़ाइन बनाया है। आप चाहो तो सेम भी बना सकते हो। इस पर हमारा ट्रांसपेरेंट नेल पेंट अप्लाई करेंगे। और डिप कर देंगे ग्लिटर में। ऊपर से हम इस पर ट्रांसपेरेंट नेल पेंट अप्लाई कर देंगे। अब लास्ट वाली फिंगर बचे। पहले टेप को कट करके रखेंगे।
जिससे कि हमें आसानी होगी चिपकाने में। अच्छे से पेस्ट कर देना, कि पेस्टिंग अच्छे से नहीं होगी तो क्लियरिटी नहीं आएगी। फिर ट्रांसपेरेंट नेल पेंट अप्लाई करना है। आप चाहें तो नॉर्मल नेल पॉलिश भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं, या 2-3 कलर की नेल पेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। इसको झाड़ देना है। अगेन फिर ट्रांसपेरेंट नेल पेंट अप्लाई करना है। हमने जैसे ये फर्स्ट लगाया था तो हम उसको निकालेंगे। देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर है। ऑलरेडी हमने ट्रांसपेरेंट नेल पेंट अप्लाई कर दिया तो जरूरत नहीं है अप्लाई करने की। इसी तरीके से सारे निकाल लेंगे। आप चाहें तो सेम डिज़ाइन बना सकते हैं, मैंने डिफरेंट बनाया था कि आपको 3 आइडियाज़ मुझे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिए हैं जहाँ से आप ये प्रोडक्ट्स मंगा सकते हैं, आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। वाकई आप हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं आप अमेजोन से भी मंगा सकते हैं। थैंक्स क्रिएशन सेलर नेम है, TCE नेल्स आप सर्च करेंगे अमेजोन पे जाके, मुझे उनकी साइट पे जाकर, तो आपको नेल से रिलेटेड काफ़ी वेराइटी दिखा देगा। स्टिकॉन नेल्स, प्लेन नेल्स, फ्रेंच नेल्स, लॉन्ग नेल्स, मिडिल साइज के नेल्स भी मिल जाएंगे आपको, किड्स नेल्स भी मिल जाएंगे, नेल ग्लू मिल जाएगी, नेल फाइलर, यूवी लैम्प, आपको इससे रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाएंगी। प्लीज़ हमारा चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और किस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उससे रिलेटेड हम वीडियो बनाएं और डालें। थैंक यू।